पड़ेगा चल कहाँ रहा है यहाँ पर जीसीएस की उत्तम टीम का पूरा फिनिश डाला जाएगा इटरनल यहाँ पर सामने एक जीसीएस अभी यहाँ गॉडरिक अल्ट्रॉन को नॉक करते हुए यहाँ जीसीएस का एक बंदा पूरी तरह फिनिश ऑफ हो चुका है क्या अभी के द्वारा हमको क्लच देखने मिल सकता है अभी भी अच्छे खासे असॉल्टिंग के लिए जाने जाते इनके पास काफी यूजी है योरेक्स इनकी बहुत ज्यादा डैमेज है सामने की टीम का एक बंदा डाउन है गॉडरिक ऊपर में टीपीपी लेते दोनों के पास यूजी है क्या कौन क्लच करेगा यहाँ पर एडवांटेज हमारे बैट सेंटा यहाँ पर नॉक करते हुए WTS गारा को यहाँ पर तीन नॉक निकाल चुके हैं WTS सेंटा गॉडरिक एम गॉड जीसीएस बॉस्को को नॉक करते हुए मुझे नहीं लगता इटन गॉडरिक एम गॉड बचेंगे तो पूरा फिनिश डाला जाएगा और डाल दिया है यहाँ पर गॉडरिक के दो बंदे बचे हैं यहाँ पर एबी को भी पूरा फिनिश डाला जाएगा यहाँ पर किल लेना चाहेंगे यहाँ पर यूरेक्स ने नॉक कर दिया थग लाइफ को पूरी तरह से किल ले चुका थग लाइफ का और यहाँ एक बंदे बचे हैं गॉडरिक रियो और यहाँ दो बंदे बचे हैं जीसीएस के क्या गॉडरिक रियो यहाँ पर पुश करना चाहेंगे क्या लगता है यहाँ पर पुश आ चुका है गॉडरिक रियो की तरफ से यहाँ पर आउट करते हैं यहाँ पूरी तरह लेट चुके हैं जीसीएस बॉस का कवर देंगे जीसीएस बॉस को खुद नॉक पड़े हुए थे वो क्या कवर देंगे टर्न जीसीएस की पूरी टीम यहाँ ऑल डेक हो चुकी है सात फिनिश ऑफ पॉइंट ले चुके हैं वाइकिंग्स की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर तीन किल अपने खाते में डाल देंगे अपने माफिया पारस की टीम यहाँ पर अमन को नॉक करने की कोशिश में माफिया स्टार्क ने नॉक कर दिया यहाँ पर वाइकिंग के एक बंदे को वाइकिंग एडी है माफिया पारस यहाँ क्लच करने के जा रहे हैं माफिया स्टार्क भी उनके साथ आ रहे हैं यहाँ पर माफिया स्टार्क नॉक कर पाएंगे कवर फायर आया वाइकिंग की तरफ से वाइकिंग साइड का नॉक नहीं बनता डैमेज माफिया पारस माफिया पारस भी है डाउन माफिया अमन की टीम यहाँ तीन बंदे डाउन है माफिया सीनू माफिया की पूरी टीम ऑल डेड हो चुकी है यहाँ पर वीकिंग्स की तरफ से अच्छा सा प्रदर्शन आता हुआ पूरा फुल एग्रेशन के साथ खेलते हुए वीकिंग्स की टीम कर चुके हैं टोटल 11 फिनिश ऑफ पॉइंट इंटरनल इनका ये रूप हमने पहले कभी नहीं देखा रेड आई की फाइट आ रही है बनी सर हरक्युलस का यहाँ पर काफी तगड़ा यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं हमारे एएमटी हरक्युलस एक बंदे का स्प्रे और करियर खत्म हो सकता है इनका बहुत अच्छा गेम प्ले देखने को मिला यहाँ पर टीएम स्प्रिट के एंट्री हुई होती हुई सीडीएम की टीम के पास स्मोक को देखते हुए उनकी तरफ आते हुए लेकिन शायद उनको पता नहीं कि यहाँ पर इसकी पूरी तरह ऑल डेड हो चुकी टीम और जो बची है वो पीछे की टीम है अच्छा खासा कंपाउंड होल किया है ये इन्हें पहले बग्गी फोड़ लेना चाहिए यहाँ पीछे से ओजी की टीम भी गुजरती है दो बंदे ओजी सम्राट यहाँ नॉक करते हुए यहाँ दो बंदे को टीएम रॉकी को बनाओ ओजी के एक ही बंदे डाउन है और यहाँ पर ऑल डेड कर दिया जाएगा टीएम की फुल स्क्वाड को ओजी के द्वारा जी जी ओजी ऑफ पॉइंट ले ओजी भी यहाँ पर अच्छा असॉल्टिंग के लिए जाने जाते हैं इटरनल बहुत अच्छा क्लच देखने को मिला बहुत जल्दी फिनिश ऑफ कर दिया यहाँ पर धीरे से रखते हुए हमारे विकिंग्स के एसआर अगर इनको स्पॉट कर लिया जाएगा तो इटरनल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है वाइकिंग्स की टीम के लिए यहाँ पर जी आर वाई हंटर को नॉक कर दिया जाएगा वीकिंग्स एसआर के द्वारा बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पुश करते हुए सामने वाली टीम पे नेड के साथ एग्रेशन दिखाते हैं पता है इटरनल किंग इनके एक बंदे बचे हुए और यहाँ पर ओपी जी गाइस यहाँ पर मैक्स किल के साथ वाइकिंग्स की टीम यहाँ चिकन निकाल चुकी है मैक्स किल के साथ उत्तर 13 फिनिश ऑफ पॉइंट के साथ